हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके सिस्टम में लैपटॉप में वाईफाई आइकन मिसिंग है, शो नहीं हो रहा है, इस वीडियो में जानेंगे किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सिस्टम में यहाँ पर जो वाईफाई आइकन था वो मिसिंग है। देखिए, कहीं भी शो नहीं हो रहा, ना ही यहाँ पर शो रहा और ना ही टास्क बार में। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे मेथड बताऊंगा जिनका यूज करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं घर बैठे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर वन मेथड है, उसके लिए हमें टास्क बार पर राइट क्लिक करना और प्रॉपर्टीज पर जाना है। प्रॉपर्टीज पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने प्रॉपर्टीज का पेज ओपन होगा और यहाँ पर हमें कस्टमाइजेशन पर, जो कस्टमाइज है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होंगे और हमें यहाँ पर देखना है कि कहीं यहाँ पर जो हमारा नेटवर्क है, वाईफाई या फिर नेटवर्क आइकन शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे में यहाँ पर कहीं भी नेटवर्क या फिर वाईफाई आइकन शो नहीं हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पर आना है, टर्न सिस्टम आइकन ऑन और ऑफ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें जो आइकन होते हैं वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेटवर्क आइकन देखिए ये रहा कुछ इस तरह का, और इसके यहाँ पर हमारा नेटवर्क आइकन देखिए ये रहा कुछ इस तरह का, और इसके सामने देखिए ऑफ है, बाकी पर ऑन है लेकिन इस पर ऑफ है। तो देखिए, हमें यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद हम ओके करेंगे, यहाँ से इसको ओके कर देंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे टास्क बार में, विंडो टास्क बार में वाईफाई आइकन शो नहीं हो रहा, तो देखिए अब यहाँ पर वाईफाई आइकन शो हो गया है। तो दोस्तों, ये था नंबर वन मेथड। अगर इसके बाद आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो चलिए अब चलते हैं नंबर टू मेथड की तरफ। तो उसके लिए हमें राइट क्लिक करना है विंडो टास्क बार पर ही। टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे, स्टार्ट टास्क मैनेजर पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद हमें प्रोसेसेस पर आना है। प्रोसेसेस पर आएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर हम सर्च करेंगे एक्सप्लोरर। तो हमें यहाँ पर एक्सप्लोरर सर्च करना है। तो यहाँ पर ये रहा एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर फाइल। तो इस पर हमें क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एंड प्रोसेस कर देंगे। इसके बाद हम एंड प्रोसेस कर देंगे। जैसे हम एंड प्रोसेस करेंगे, देखिए हमारा जो डेस्कटॉप है वो पूरा ब्लैंक हो चुका है। अब इसके बाद हमें इसे वापस लाने के लिए हमें फाइल पर क्लिक करना है और न्यू टास्क को रन करना है। तो क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे explorer.exe और इसको हम ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे तो जो हमारे आइकन चले गए थे, बिल्कुल हमारा जो सिस्टम ब्लैंक हो गया था, उसके बाद ये वापस आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे जो explorer.exe फाइल है वो रन हो चुकी है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से हमारा जो नेटवर्क आइकन है वो आ गया है सबसे पहले, फिर उसके बाद वाईफाई आइकन हमारे पास सिस्टम में यहाँ पर शो हो गया है। तो दोस्तों, ये था नंबर टू मेथड। इसके बाद इसको क्लोज कर देना है। अगर इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो नंबर थर्ड मेथड है कि आपके पास अगर लैपटॉप है तो आपको लैपटॉप में चेक करना है कि जो आपका वाईफाई की होती है उसके द्वारा तो आपको वाईफाई ऑफ तो नहीं हो गया। अगर ऑफ हो गया तो उसको ऑन कर लीजिए, एक बार जरूर चेक कीजिए। या तो आपको वाईफाई स्विच होगा या फिर वाईफाई की होगा आपके कीबोर्ड में, या फिर जो स्विच है वो आपके लैपटॉप के साइड में हो सकता है, आगे हो सकता है। तो आप एक बार जरूर चेक कीजिए कहीं वाईफाई स्विच या फिर वाईफाई की के द्वारा वाईफाई ऑफ तो नहीं है, उसको ऑन कर लीजिएगा। जैसे ऑन करेंगे तो आपके विंडो टास्क बार में वाईफाई आइकन शो हो जाएगा और आप नेट कनेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे तीन मेथड जिनका यूज करके आप आसानी से अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं घर बैठे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।